हेलो जी, हाय जी, नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ना, ये उन सारे नूब्स, उन सारे बिगिनर्स, उन सारे प्रोज और उन सारे ओहो ओहो वाले प्लेयर्स के लिए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। आज के इस वीडियो में मैं थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, जो आप वैलोरेंट जो गेम है उसमें यूज कर सकते हो एंड यू कैन स्टूपेंडसली डू वेल इन दैट गेम विद दीज ट्रिक्स। सो मेक श्योर टू वॉच द एंटायर वीडियो, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ मिस करोगे, एक भी चीज़ मिस करोगे, सो यू हैव नो आइडिया कि आप, ओके इफ यू वॉन्ट गेट बेटर एट दिस गेम, ट्रस्ट मी, एक एक चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना एंड देन डू बेटर। एवरी वन कैन डू बेटर। वॉच नाउ। आई डोंट नो, आई रियली वांट टू ट्राई दिस। फैंटम पे भी पकड़ बनानी है यार, क्या कहते हो? फैंटम देखे कैसे चलती है। Oh, we've beaten our new score. We've beaten our. Sarakabar, sabarakarai. Nice. Okay. तो क्या करें, कुछ और हो सकता है? हाँ, ओके। फैंटम की भी अच्छी वो है यार पकड़, बट इसका स्प्रे कहाँ जाता है? अच्छा, इसके बाद ऊपर जा रहा है। ओके बस यही मेरे को देखना है कि कितने शॉट्स लेता है एक बंदे को मारने में। वैंडल का डैमेज यहाँ पे देखूंगा तो बहुत ही बड़े हैं। 5 shots with वैंडल 800। वो इतना लेट्स ट्राई अगेन। एक एक दो शिट कौन, एक दो तीन, अबे क्या है, एक दो, अबे एक दो, अरे माचू अबे पास आया यार। एक दो तीन चार पाँच, ओके एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, 700 डस लेस डैमेज। ये नहीं पता है। हाँ, स्प्रे कंट्रोल इसका बेटर है, नो डाउट, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये वैंडल इज मोर मोर ऑफ अ टैप टैप गन, बट अगर ये भी सर पे मारो तो सही लग रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वैंडल का स्प्रे क्या है कि वैंडल का स्प्रे अगर आप इधर आओ बेटा, ये तो मैं डिलिबरेटली ऊपर गया है ना, अब ये देखते हैं। ये भी वही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बट इफ यू सिट एट द राइट टाइम यू विल सी कि आप ऊपर से नीचे लेके आओगे तो यू कैन कंट्रोल योर स्प्रे। ऊपर से अगर मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो आई एम एबल टू कंट्रोल द स्प्रे फॉर दिस गन ऑल्सो। मैं इसको नीचे से ऊपर नहीं लेके जा सकता ऐसे।
देख रहे हो, खुद गन को अगर नीचे पुल करोगे तो वर्क्स इन योर फेवर। बस ये है कि माथे पे निशाना रहना चाहिए कहीं और। ये फर्क तो पड़ रहा है। ये वैंडल को अगर मैं नीचे से लेके आऊंगा, इसका भी सेम सिनेरियो है, बट क्योंकि हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि मैं यहाँ से घुटने से इसके स्प्रे करना शुरू कर रहा हूँ, तो ये ऊपर जा रहा है। देखो ये रही लास्ट शॉट मेरी, है ना। तो वो कंट्रोल करने के लिए वी कैन डू इज, तीन शॉट होते ही वी कैन सिट। ये घुटने से शुरू किया और ग्रोइन तक आया, लाइक दिस फॉर बेटर कंट्रोल। इसको भी ऊपर से अगर लेके आओ तो चलता है। अगर प्रॉपर हेडशॉट लो तो इसका भी वन टैप ही है, बहुत प्यारा वन टैप है। लेकिन शरीफ बॉडी शॉट कितनी लेती है इसका? आर्मर F3 आर्मर डालू, एलिमिनेट 100 बॉड आर्मर ऑन। ओके लेट्स डू दिस। 3 body shots, sheriff, with full armor. But doesn't matter if you aim for the head. अच्छा, अगर मैं कंधे पे मार रहा हूँ तो भी वही है, लेकिन कंधे पे एक शॉट देके अगर आप ओके मैं बस कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, सो डोंट ऐसा मत सोचना कि क्या 30 है मेरे को, कुछ चीज़ ऐसा है नहीं। बॉय समझ रहे हो ना, कभी कभार आपको देखने की भी जरूरत है। एम फॉर द हेड। चीटिंग करता है तू। ओके यार ये गन मेरे को पसंद नहीं आती यार, मतलब ऑल्दो यू डू एम इट बट ये बॉडी पे नहीं मारती। ऑन द अदर हैंड ऑपरेटर इतनी प्यारी गन बना रखी है, क्या ही बोल रहे, जहां मर्जी से मारो। Even if you hit a body, let's see what happens. See, he dies. Damn man, उस एक शॉट में दो लोग गए, 200 armor blows my mind. मतलब कितनी पावरफुल गन बनाई हुई है, no idea. Again 200 armor, poof, ऐसे dust की तरह उड़ गया. I think they need to nerf it down a bit. क्योंकि बट नहीं करेंगे क्योंकि 5000 की गन है, सबसे महंगी गन है। एक ये गन है जिसका मेरे को पकड़ बनाना है। इसका स्प्रे बहुत अच्छा है बट थोड़ा सा अगर डिस्टेंस हो जाए, ये देख रहे हो ऑल ओवर द प्लेस। अगर इधर ही देखेंगे तो इस रेंज पे ये देखो कहाँ जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है गन में, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन उसी में अगर हम बैठ जाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, सो आई थिंक दैट विल बी आर क्रैक। क्या कहते हो? What do you think? लाइक किया अभी तक? क्या कॉल अवॉइड करो,
अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो नए हो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है, जाओ देखो यार बैगी की, चलो जल्दी जाओ। मैं क्या ही बताऊँगा इसमें, बस थोड़ी बहुत अपनी टिप्स समझ रहा हूँ और थोड़ी बहुत टिप बांट रहा हूँ, तो आई फील इट विल हेल्प। जब ये गेम चल ही रही है इतना तो वाई नॉट क्रैक इट कम्प्लीटली राइट। आप इसको सीधा रख के कितनी दूर तक लेके जा सकते हो, लेट्स टेस्ट दैट। ओके सीधा मैं इस रेंज पे इस बंदे को मारना चाहता हूँ। ओके अब मैं भगता हुआ आ रहा हूँ, रन एंड गन करने का कोई पॉइंट नहीं है इतनी डिस्टेंस पे। तो कितना डैमेज दोगे उसको आप, इतनी बार आपने कम से कम 5 बार स्प्रे किया है, उसके बाद वैंडल या कोई भी और गन होगी ही टेक यू ईजिली। ठीक है, या तो आपके पास शेरिफ हो तो सर पे मारा बंदा खत्म, सर पे मारा बंदा खत्म, सर पे मारा बंदा खत्म, सर पे मारा बंदा खत्म। लेकिन ऐसी किस्मत हमेशा होगी नहीं, क्योंकि 800 रुपए की आती है वो, 800 व्हाटएवर करेंसी दे यूज। सो 800 बक्स फॉर दैट आई डोंट नो, बट इफ यू हैव दिस कितना देर लगाओगे, कितना देर लगाओ, इतनी लंबी फाइट आप इस गन से लो ही मत, दैट इज द बेस्ट वे टू गो। अगर आप स्पेक्टर से खेल रहे हो आई वुड सजेस्ट कि आप पास जाओ, कितना पास चले जाओगे, इतना पास चले जाओगे, इतना पास चले जाओ भाई। अब मान लो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, पीछे बैक एंगल पकड़ा है मैंने, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे को पता नहीं है वहाँ पे कौन है राइट। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे जाऊँगा, ओ अब मेरे को देखा ये ऑल ओवर द प्लेस, द फक एम आई डूइंग, नो। अब मेरे को ये दिख रहा है, हार्डली हैपन्स कि कल हम एक मैच खेल रहे थे, आई वॉज अगर किसी को इसमें एक मैप पता हो, हेवन नाम है उस मैप का, हम लोग बी की बालकनी पे खड़े, मतलब कॉरिडोर जो है बीच में बालकनी सी बनी हुई है उस पर खड़े हुए हैं, बंदा गैराज की तरफ है, गेम में शॉट हेड शॉट दिया लेकिन वो मर गया, ख़त्म था। दूसरे बंदे के लिए स्प्रे ऑल ओवर द प्लेस, क्यों, क्योंकि स्प्रे पे कंट्रोल नहीं था। अब SMG है, कितना ही रेंज कर लेगी, वहाँ तक चली जाएगी, चली जाएगी अगर आप सर पे मारोगे, लेकिन बार बार ज़रूरी है कि आप सर पे मारो। जितना मर्जी ट्राई कर लो वो सर पे, बहुत रेयर होगा ऐसा कि सर पे जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो इधर आएगा ना एम बीच में। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जाओ जहाँ से भी, जो भी एंगल से जा रहे हो, बट क्लोज फाइट्स लो स्पेक्टर अगर आपने पकड़ रखी है तो, क्योंकि चैलेंज कर दोगे बट ही टर्न एंड ही शूट यू विद अ फैंटम और एनी अदर गन दैट्स 1 टैप और 2 टैप और द स्प्रे इज बेटर, इट्स एन AR और इट्स अ टैक्टिकल राइफल, आई डोंट नो लाइक गार्डियन, तो वो ले जाएगा, कोई एक शॉट में ले जाएगा। आपने आर्मर पहना है ठीक है, लेकिन उसका एम अच्छा होगा तो आपको ले जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप थोड़ा घूमो, उसके अराउंड जाओ, उसके आसपास जाओ, चाहे सामने से आओ, लेकिन फटाफट 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 फटाफट, डोंट वेट डोंट वेट। इतनी खैर इतने डिस्टेंस पे तो भाई ये गन जहर है। अगर मान लो आप शैडो में खड़े हो, शैडो में से कोई एकदम से निकल के आया, पट किया पता, पट किया पता, 2 टैप्स। इवन स्पेक्टर टेक्स 2 शॉट्स अगर आप सर पे मार रहे हो, समझ रहे हो, नो स्कोप अगर आप यूज़ करोगे मार्शल तो इज इट एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट टू एक्सटेंट, बट ये वाली थ्योरी अगर हम चेक करें तो इस पे चेक करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि शॉट किधर गया राइट। वो देखो शॉट कहाँ जा रहा है, इट्स मिसिंग हिम बाय अ गुड डिसेंट मार्जिन, यूजलेस, किसी को नहीं करना होगा। पास में खड़ा हूँ मैं इसके, तब भी आई कांट हिट हिम बिकॉज दिस गन इज स्टूपिड, टेक्स अप ऑल योर मनी एंड मेक्स यू वांट टू स्कोप इट, स्कोप करो, स्कोप किया मारा, लेकिन नहीं, क्विक स्कोपिंग है ही नहीं गन में। ये देखो क्विक स्कोप करेंगे, वहाँ पर जा ही नहीं रहा है, नो क्विक स्कोप, वो वहाँ जा रहा है, वो ऊपर गया है, दो इधर गए हैं,
हमें वेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस रखना पड़ेगा हमेशा। अब इसी बंदे को अगर हम मार रहे थे तो यहीं से ट्राई करते हैं। नाउ इट्स हिटिंग, नो स्कोप है अभी भी बट इट्स हिटिंग। अब वहां पे गया है, थोड़ा सा इधर करेंगे तो उसको लगेगी, लगेगी नहीं। दिस गन इज ब्रोकन, दिस गन इज कंप्लीटली ब्रोकन, आउट ऑफ इट्स माइंड। कुछ सीन नहीं है, कोई नहीं अपने भाई। ये गन प्यार है यार। ओके लेट्स टेस्ट अ थ्योरी, ठीक है? अगर हम ये यूज कर रहे हैं, क्लासिक यूज कर रहे हैं, तो व्हाट हेल्प्स? दो शॉट, दो शॉट। क्लासिक यूज कर रहे हैं तो दो शॉट, दो शॉट, दो शॉट, दो शॉट, दो शॉट। आई थिंक द ओनली डिफरेंस दैट वी कैन सी इन दीज टू गन्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लासिक आपके पास हमेशा फ्री आती है, दूसरा 500 रुपये लगा के आपको एक सप्रेसर लगता है, बस आपको सप्रेसर मिलता है। I don't think it's more accurate. I don't feel that. मेरे हाथ में उतना ही कंट्रोल उसका भी था, उतना ही कंट्रोल इस गन का भी है। क्लासिक उसका भी उतना ही है। In fact, क्लासिक is free and उसमें आपको एक और फ़ायदा मिल जाता है अगर आपका एम सही गया तो, कि आप एक शॉट में भी लेके जा सकते हो। ये थ्योरी फेल होगी, थोड़ा पास होंगे तो शायद निकल जाएंगे। नहीं अभी भी हो गया। वो एक बंदे ने धोखा दिया यार। सो आई एम राइट क्लिकिंग राइट नाउ और उसमें ये तीन शॉट्स निकलते हैं। ये एक एडवांटेज है क्लासिक में जो आपको फ्री मिलता है राइट क्लिक करने पे, एंड सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक जो आपका नॉर्मल लेफ्ट क्लिक होता है जिससे आप शूट करते हो, उससे एक टैप होता है। राइट क्लिक करोगे 3 taps। क्या फ़ायदा है 3 taps का वो देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक थ्योरी चेक कर रहे हैं इधर भी कि दो लोग खड़े हैं इस डिस्टेंस पे हैं और इनको अपन ने डैमेज देना है। मार तो नहीं सकते हैं दोनों को क्योंकि मरेंगे नहीं यार। ये गेम बहुत ब्रोकन है यार, मतलब क्या मजा आएगा। 3 shots मारे, दोनों को डैमेज मिला है। अब कितना डैमेज मिला है वो हम सिर्फ एक शॉट से चेक करेंगे। आई विल गिव हिम 1 shot, 2 shot, 3 shot। 3 shots पहले मारे थे हमने बर्स्ट के साथ में जो दोनों को डैमेज लगा था। 1, 2, उसको 2, इसको 3। टोटल अगर आप बर्स्ट मारते हो तो टोटल 6 shot लग रहे हैं अगर आप दो लोगों पे ज़बरदस्ती फालतू। आपको हीरो बनना है भाई, कई लोग बन भी जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ सबको ले जाओ। बट अगर नहीं बनना है हीरो तो इट्स बेटर कि आप बर्स्ट अगर यूज कर रहे हो ना तो इस डिस्टेंस पे आके करो, जब एकदम सर पे आपको मार। इस डिस्टेंस पे आके अगर मैं सिंगल मारूंगा नथिंग विल हैपन, लेकिन बर्स्ट मारते ही खत्म खत्म कहानी। तीनों को मारा, ये चीज सिर्फ इतने डिस्टेंस पे चेक करते हैं, इतने डिस्टेंस पे भी हो रहा है। अगर इफ यू कीपिंग अ गुड, हाउ मच, कितना होगा ये, 20-30 meters होगा शायद, तो स्टिल टेक्स अप 2 shots समवेयर, टेक्स 1 shot। बट ये है कि शुरू में अगर आप गेम खेल रहे हो, इकोनॉमी अच्छी करनी है आपको, इसको भूल जाओ अभी। ये जो 99999 लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। बट उसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो, सो यू कैन प्रॉब्ली, आई डोंट नो, यू कैन अवॉइड दिस गन और यू कैन टेक दिस गन इफ यू फील एनी डिफरेंस। आई डोंट फील एनी डिफरेंस। इसका फायर रेट 6.75 है, इसका फायर रेट 6.75 है, ऑलमोस्ट इक्वल फायर रेट। रन स्पीड 5.73 अगेन सेम। इक्विप स्पीड दोनों का सेम है, 0.75 0.75। उसका 0.3 का हेडशॉट स्प्रे है, इसका 0.5
फोर का हेडशॉट स्प्रे है। क्लासिक गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज इन दिस। रीलोड स्पीड दोनों की, दोनों में डिफरेंस है। गोस्ट के रीलोड स्पीड में आपको 0.25 का फर्क मिल रहा है। फेयर इनफ। मैगजीन में दोनों के ऑलमोस्ट सेम, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंगल स्प्रे में लेके जा रहे हो, वैसे भी आप कितने राउंड्स मारोगे, तीन तीन एक साथ फायर करोगे तो जल्दी रीलोड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट क्लासिक में यू गेट 12 राउंड्स एंड मैगजीन इसमें गोस्ट में जो है वो 15 राउंड से गया। ओके फेयर इनफ। 0-30 मीटर्स में 78 डैमेज देता है। ऑलराइट। एंड 0-30 मीटर्स में 105 डैमेज देता है। तो गोश्त शायद आपको यहाँ फ़ायदा दे सकती है कि अब आपको डिस्टेंस फाइट्स में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है। बट अगर मेरी मानो तो दे आर जस्ट नंबर्स इफ यू आर एमिंग फॉर द हेड। बट इफ यू आर एमिंग फॉर द बॉडी, लेट्स चेक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शॉट्स। 1, 2, 3, 4, 5 शॉट्स। सिर्फ एक शॉट का डिफरेंस है। और ट्यूटोरियल्स यहाँ ख़त्म करके हम लोग गेम शुरू करते हैं, बिकॉज आई थिंक काफ़ी ज्ञान बढ़ चुका है। अभी इस ज्ञान का हम गेम यूटिलाइज कर लें। स्प्लिट्स। बेस्ट वे टू स्टार्ट योर गेम इज आइदर विद अ क्लासिक और विद अ गोस्ट। आई फील दैट बिकॉज यू सेव लॉट ऑफ मनी। अगर आप गोस्ट नहीं लोगे तो यू विल सेव 500 मोर ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। डोंट टेक एनी ऑफ द शील्ड्स, डू नॉट गो फॉर एनी ऑफ द एबिलिटीज, सेव देम फॉर लेटर, सेव देम फॉर राउंड 3। सही बताना, पसंद आया ना वीडियो? सही बताओ, पसंद तो आया वीडियो? तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसे और वीडियोस अगर चाहते हो कि मैं बनाऊं, विद लर्निंग, विद वॉट एवर यू वॉन्ट, शायद किसी और गेम के साथ आपको हेल्प चाहिए, शायद इसी गेम के साथ आपको और हेल्प चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ गुड डे।